परसों जहाँ तक हमने देखा था नेक्स्ट पहले वाली क्लास में, हमारा इसका आगे का जो है बचा प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, जो भी हमारा स्फीयर है उसको जब भी हम किसी प्लेन से काटेंगे, देखिए आप जस्ट इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके पास कोई भी बॉल ले लीजिए और अगर आपके पास एक ऐसी प्लेट हो जिससे आप उस बॉल को काट सकते हो, तो आप ये देखेंगे कि जितने आप उस गोले को जहाँ पर से काटते हैं, जो एरिया जो चीज हमको उसके बाद मिलती है वो एक सर्किल होती है, इतना तो आप सब समझते होंगे है ना। जैसे तो हमको जो जो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, हमको जो प्लेन से जब हम किसी गोले को काटते हैं उसके बाद जो हमको सर्किल मिलता है, उस सर्किल की हमको रेडियस और उसके सेंटर निकालना है। हो गया। यहाँ पर देखिए जैसे हमको यहाँ पर इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये एक हमारा गोला है जिसका सेंटर ओ पर है, हमने एक प्लेट समतल लिया या एक प्लेन लिया या फिर एक प्लेट समझ लो, हमने इस गोले को काटा हुआ है। ठीक हो गया। तो हमारा ए सी पी बी एक हमको एक सर्किल मिलेगा। ठीक हो गया। तो वैसे भी आप खुद ही समझिए, जैसे आप एक कोई एक गोला है, अगर आपको प्लेट से अगर लगातार काटते जाए तो या तो आप प्लेट से उसको बीचों बीच से काटें ना, मतलब अगर सेंटर से होता हुआ अगर आप प्लेन से उसको काटते हैं तो उसमें जो हमको सर्किल मिलता है उसको तो हम ग्रेट सर्किल कहते हैं। उस स्थिति में जो हमको सर्किल मिलेगा उसे हम ग्रेट सर्किल कहते हैं। और जो जैसे यहाँ पर है जो सर्किल काटा हुआ है इसका सेंटर क्या होगा, एन ना। हाँ तो और इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, एन पी। तो सर्किल जो समतल से काटने के बाद जो हमको सर्किल मिला मिलेगा उसकी रेडियस क्या होगी, एन पी, ये हमको फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटर जो ओ है यहाँ से उसने एक लाइन की कोई इस जो वृत्त जो मिला हुआ है समतल से काटने के बाद जो हमको सर्किल मिला हुआ है उस पर उसने एक पॉइंट लिया है पी ना, और ओ से सेंटर जो गोले का सेंटर है उससे ओ से उसने जो जो सर्किल मिला है उसको जो किसी पॉइंट पर जो पी लिया है वहां से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये आप लोगों को पता होगा क्या, जो ओपी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रेडियस के बराबर होगी, किसके गोले की। खुद ही समझिए जैसे कोई भी एक गोला है हा? उसको मैं सर्किल उसे किसी प्लेट से काट रहे, प्लेट से काटने के बाद जो अंदर सर्किल मिला, अंदर सर्किल मिलेगा उस सर्किल के चारों ओर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उससे उस गोले का जो सेंटर होगा वो उसके रेडियस के बराबर ही होगा ना। आप उससे इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हमको सर्किल जैसा मिला है पहले हमने किसी प्लेन से गोले को काटा, उसके बाद जो हमको अंदर सर्किल मिला उसके चारों ओर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उस गोले का जो सेंटर ओ है वहां से अगर आप वो डिस्टेंस खींचेंगे उसी भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो जो भी वो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। हाँ तो यहाँ पर हमारा ओपी जो डिस्टेंस होगी हमारी किसके बराबर होगी, रेडियस आर के बराबर। रेडियस आर क्या है यहाँ पर, तो गोले किस गोले की त्रिज्या। ठीक हो गया। और जो ये सेंटर जो ये ओ एन और एन पी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जो ओ एन और एन पी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। आप खुद से इमेजिन करिए, आप इस सर्किल है जो अंदर जो मिला हमको सर्किल है ना, और इससे परपेंडिकुलर जो लाइन है ओ एन ना, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमको एनपी फाइंड आउट करना है। एनपी हमारा क्या होगा, जो हमको सर्किल मिलेगा जो प्लेन से काटने के बाद गोले को सर्किल मिलेगा उसकी रेडियस होगी, उस सर्किल की रेडियस होगी हमारी क्या, एनपी। तो हम यहाँ पर किससे लगा, तो एनपी हमारा जो ओपी स्क्वायर होगा, हमारा ओपी स्क्वायर क्या होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर की जो मेरी वैल्यू होगी, आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही होगा ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ लेंथ परपेंडिकुलर ना, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो एनपी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
एनपी, एनपी क्या है हमारा, जो एनपी क्या होगा हमारा, जो प्लेन को गोले से काटने के बाद जो सर्किल मिला है उसकी रेडियस होगी। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि हमको एक स्फीयर की इक्वेशन दे दी जाएगी, उसके साथ एक हमको एक प्लेन की इक्वेशन दे दी जाएगी, और वो कहेगा कि जो इनसे जो सर्किल बन रहा है हाँ उसकी रेडियस बताओ, या उस सर्किल का सेंटर बताओ। तो हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे वहां पर भी, ठीक हो गया। अब आता क्या है, अगर बाई चांस अगर क्या हो, इसने तो अगर मैं उस प्लेन से मैं इस गोले को ऐसे काटूं कि जो जो उसके सेंटर से होते हुए काटूं, अगर गोले को तो प्लेन से इस तरीके से काटूं कि उसके सेंटर से होते हुए कट रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर सेंटर से होकर कटेगा तो ओवन जो डिस्टेंस हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। अगर इसी सर्किल को जो इसमें काटा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाके अगर ऐसा सर्किल बनाऊं जिसका सेंटर जहां जहां पर ओ और एन कॉन्साइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए या फिर बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है ओ एन जो डिस्टेंस हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ओ एन डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा, क्योंकि उस केस में जो हमको सर्किल मिलेगा वो ग्रेट सर्किल मिलेगा, तो उसकी उसकी जो रेडियस हो जाएगी किसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा, गोले की रेडियस के बराबर हो जाएगा ना। इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का होगा क्या, जो आगे क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो किस तरीके से देगा, कहेगा कि एक सर्किल की इक्वेशन, इस सर्किल का कहेगा इस सर्किल का इस वृत्त का रेडियस बताओ, लेकिन वहां पर जो इक्वेशन दी होगी वहां पर सर्किल की ना देके क्या करेगा, एक प्लेन की इक्वेशन दे देगा और एक गोले की, एक स्फीयर की इक्वेशन दे देगा। तो आप लोग समझ जाना, कि ये प्लेन इस गोले को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो भी हमको जो फाइनली जो मिलेगा इंटरसेक्शन के बाद जो मिलेगा तो हमको सर्किल मिलेगा उसकी, वो तो वही इसका सेंटर पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, उदाहरण सिक्स है आपका, उदाहरण सिक्स है, उसने क्या दिया हुआ है, उस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए समतल एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 15 द्वारा गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस टू फोर जेड इक्वल टू 14 के इक्वल टू इक्वल टू 11 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। मतलब हमको उस सर्किल की रेडियस और सेंटर बताने हैं, हाँ, जो किससे, जो हमको कहाँ से मिल रहा है, जो हमको स्फेयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको गोले स्फेयर की इक्वेशन दी हुई है, और हम स्फेयर के सेंटर को हम निकाल सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं स्फेयर के सेंटर कैसे निकलते हैं ना, को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, जो भी यहाँ इसमें गोले की इक्वेशन दी हुई है उसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद जनरल इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, यही होती थी ना। इसको हम कंपेयर करेंगे उससे, तो टू यू बराबर क्या आ जाएगा, टू यू बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर इस जो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, तो यू बराबर जीरो आ गया। वैसे ही टू भी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का टू, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, भी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वन, और वैसे ही टू डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का फोर, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का टू। और लेकिन सेंटर के जो ओरिजिन, तो उसके जो जनरल इक्वेशन होती थी उसके सेंटर के को क्या होते थे, पॉइंट माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होते थे ना, तो उस हिसाब से जो हमारा गोले का केंद्र क्या आ जाएगा, जीरो वन टू। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो ठीक हो गया। और गोले की त्रिज्या क्या होती थी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, यही होती थी। तो उस फॉर्मूले से हम उस गोले की त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो हमको एक गोला दिया हुआ था, एक स्फेयर दिया हुआ था, एक प्लेन दिया हुआ है ना, उस स्फेयर का हमने सेंटर और उस स्फेयर का हमने रेडियस हमने निकाल ली है, ठीक हो गया। अब देखिए जो अभी हमने जो फिगर देखा हुआ था, हाँ, उसमें क्या था, फिगर में दोबारा आते हैं, ये भी जो भी हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लेन
और स्फेयर, वो इसी टाइप का कोई फिगर बना रहा होगा ना, गोला इसी तरह का होगा और कोई समतल से इसको काटा हो तो जो अंदर सर्किल बना होगा इसी तरह का होगा। अब हमको निकालना क्या है, सर्किल के सेंटर निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ओ के कोऑर्डिनेट चाहिए, ओ के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए है। हाँ, ओपी चाहिए, ओपी मतलब गोले की त्रिज्या, वो भी हमने निकाल लिया है। अब हमको और क्या क्या चाहिए, ओ एन की लेंथ चाहिए, वो हम आगे निकालेंगे, अभी कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। ओ एन की लेंथ चाहिए। अब ओ एन क्या है, हमारे यहाँ पर एक लाइन है, तो हमको जाहिर सी बात है हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब एक चीज देख ही रहे होंगे आप, जब मैं ओ एन, जो हमारी जो ओ एन लाइन है, इसका जो ये हमारी समतल पर भी मिल रही है, समतल मतलब जिस प्लेन से मैंने इस गोले को काटा हुआ है, भले ही वहां पर सर्किल बन गया हो, तो लेकिन इसका मतलब क्या है, जो मेरा एंड पॉइंट है वो मेरा सर्किल पर भी है और उस प्लेन पर भी है जो हमको जिससे हमने काटा हुआ है। ये आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? हेलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? ठीक है, आगे चलते। तो क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स मैंने चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म डाल दिया हुआ है, अटेंडेंस का गूगल लिंक डाला हुआ है, उसको आप भरिए। दोबारा डाल देता हूँ, दोबारा यहाँ पर मैंने दोबारा डाल दिया हुआ है अटेंडेंस का गूगल फॉर्म, इसको आप फिल कर लीजिएगा। दोबारा वही चलते हैं अपने क्वेश्चन का। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ओएन, उस ओएन ओएन मेरी कितनी डिस्टेंस होगी, मतलब ओएन मतलब पी, ओएन मेरी कितनी डिस्टेंस होगी पी। तो क्या होता था, हमको क्या है, सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट पता हुआ है। हाँ, तो हम आपको पता होगा ये इक्वेशन, जैसे यहाँ इसने पी निकाल रखा है, ये कैसे निकालते हैं, अगर हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालें, या किसी पॉइंट से किसी लाइन या किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डालें, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाल देते हैं हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0, 1, 2 मतलब जो इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 15 है ना। तो जो ओपी, जो पी लेंथ है, जो ओ से एन की डिस्टेंस है, जिसको हम पी कह रहे हैं यहाँ पर, तो मेरी पी कितनी निकलेगी, मॉड ऑफ, तो जीरो जीरो प्लेन की इक्वेशन में आप जीरो, एक्स की जगह जीरो रखेंगे, वाई की जगह 1 रखेंगे, जेड की जगह 2 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगी, 0 + 2 + 4 - 15 / √ ना। तो x का कोफिशियंट क्या है हमारा, यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर, y का कोफिशियंट क्या है, 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और वैसे z का कोफिशियंट क्या है हमारा यहाँ पर, 2 या फिर 2 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमारे p निकल जाएगा, जो कि क्या है यहाँ पर 3। तो o से n की डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई है, 3। o से n की डिस्टेंस आ गई है मेरी 3। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को उस सर्किल के कोऑर्डिनेट चाहिए, उस सर्किल के क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए, मतलब सेंटर चाहिए, सॉरी, उस सर्किल का जो समतल से काटने के बाद जो सर्किल बन रहा होगा उसके मेरे को क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। तो सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी जो पी जो लेंथ आई वो तो 3 आ गई थी, तो उसी फॉर्मूले से जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, उस सर्किल की रेडियस कैसे निकल जाएगी, √r² - p² ना। गोले की त्रिज्या हमारी यहाँ पर क्या थी, 4 का स्क्वायर 16 और पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो मेरा जो वृत्त जो बनेगा उसका उसका रेडियस तो आ जाएगी मेरी √7। अब निकालने मैंने उस वृत्त के सेंटर के निर्देशांक, उस सेंटर के निर्देशांक मतलब उसका सेंटर कहाँ कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है। तो क्या हो जाएंगे, तो हम ओ एन लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ओ एन लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अब जो ओ एन लाइन है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, ओ से भी ऊपर गुजर रही है, एन से भी ऊपर गुजर रही है। ओ एन लाइन ओ से भी ऊपर गुजर रही है, एन से भी ऊपर गुजर रही है। एन के तो हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो कि हमारे सर्किल
सर्किल के सेंटर होगा, लेकिन ओ के कोऑर्डिनेट हमको पता हुआ है, पता है ओ मतलब गोले का सेंटर, स्फेयर का सेंटर, वो क्या है 0 1 2। तो जो ओएन जो मेरी लाइन है वो ओ से गुजर रही है, तो ऐसी इक्वेशन उस लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से होकर गुजरती है उसकी क्या होती है, एक्स माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बी। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यही तो होती है जो किसी पॉइंट ए बी सी से होकर गुजर रही है और किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है। तो उसके इक्वेशन क्या होती थी, एक्स माइनस ए अपॉन एल वाई माइनस बी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन एम, ये होती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, हमारा जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी जो लाइन है वो साइन ओ से ऊपर गुजर रही है, तो जो तीन पॉइंट जो पॉइंट होंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 1 2। तो किस 0 1 2 से होकर गुजरी, तो एक्स माइनस जीरो वाई माइनस वन जेड माइनस टू, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपॉन से 1 2 2 क्या हुआ है, एक्चुअली ये क्यों किया है, जो मेरी जो ओ एन जो लाइन है, जो ओ एन जो लाइन है और जो प्लेन की इक्वेशन मेरे को दी है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो जो इक्वेशन प्लेन की जो इक्वेशन है, जो उसके कोफिशियंट है एक्स वाई जेड के, जो कोफिशियंट है ना, वही यहाँ पर किसका काम करेंगे, एल एम एन का काम करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर एल एम एन तो होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एल एम एन जो होंगे वो होंगे डायरेक्शन रेशियोज का काम करेंगे। आई होप ये आपने प्लेन लाइन की इक्वेशन निकालना, प्लेन की इक्वेशन निकालना, ये सब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, डायरेक्शन कोसाइन जब दिए हो, जब डायरेक्शन रेशियोज दिए हो ना, तो उसी से हम यहाँ पर ओ एन लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो ओ एन जो हमारी जो लाइन है वो 0.012 से होकर गुजर रही है, तो और जो प्लेन है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, प्लेन की इक्वेशन भी हमको दी हुई है। तो लाइन की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 0 अपॉन 1 वाई माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर 1 2 2 क्या है, ये कोफिशियंट है एक्स वाई जेड, जो प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड है उसके कोफिशियंट है, और जेड माइनस 2 अपॉन 2। अब इन सबको ये तीनों बराबर है, तो मैंने इसको लैम्डा के इक्वल मान लिया, ठीक हो गया। जब मैंने इसको लैम्डा के इक्वल माना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक हो गया। अब जो ये जो लाइन है, जो ओ एन जो लाइन है वो ओ से भी जा रही है और एन पर भी है। ओ एन जो लाइन है उसके दो पॉइंट है ओ एन, है ना। तो जो एन वाला पॉइंट है वो मेरा प्लेन में भी पड़ता है, जो एन वाला पॉइंट है वो मेरा प्लेन में भी पड़ता है। तो अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह, जो प्लेन की इक्वेशन है एक्स वाई जेड की जगह, जो यहाँ पर हमारा 0 प्लस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा जो हमारा निकला हुआ है ना, अगर इसको पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। पुट क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारी जो लाइन है ओ एन जो लाइन है वो ओ पॉइंट से भी गुजर रही है और एन पॉइंट से भी गुजर रही है, और जो एन पॉइंट है वो मेरा सर्किल का तो पॉइंट है ही है, वो प्लेन में भी पड़ रहा है, वो प्लेन में भी पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकता हूँ। अगर पड़ रहा है तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए मैं वहां पर पुट कर रहा हूँ, और पुट करने के बाद मेरे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो प्लेन की इक्वेशन में जब हम ये पॉइंट पुट करेंगे 0 प्लस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा, इसको पुट करने के बाद जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आई है वो 1 आई है। तो जब मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 फिर इसी पॉइंट पर पुट करूंगा, तो 1, 3, 4 क्या आ जाएंगे, हमारे सेंटर आ जाएगा सर्किल का, या फिर सेंटर के निर्देशांक आ जाएंगे, सेंटर के निर्देशांक आ जाएंगे। मैं दोबारा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया हुआ है ना, इसमें कंफ्यूजन मत करना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे ना। जो हमारी जो लाइन की इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई, ओ एन लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस 0 अपॉन 1 वाई माइनस 1 अपॉन 2 जेड माइनस 2। किसी को कुछ पूछना है, हेलो, किसी को कुछ पूछना है, नो सर, ये आई गेस समझ में कैसे निकाला है। यस सर। अब जो एग्जांपल 7 है, यहाँ पर इसने 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदुओं 1 -1, 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 0, 2, 0 और तीसरा पॉइंट है 0, 0, 3 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण एवं उसका केंद्र ज्ञात कीजिए। गुजरने वाले वृत्त का समीकरण और उसका
एक्चुअली यहाँ पर इसमें एक वृत्त नहीं होगा, यहाँ पर एक गोला होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप सही कर लेना, उदाहरण 7 को। यहाँ पर एक वृत्त नहीं होगा, गोला होगा। कारण मैं बताता हूँ, आप ये देखिए तीनों पॉइंट देखिए, इन तीनों पॉइंटों को आप देख रहे होंगे। तो जैसे पहला पॉइंट देखिए, -1,0,0, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर काट रहा है, -1 पॉइंट पर काट रहा होगा ना। जो ये गोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा होगा, -1 पॉइंट पर काट रहा होगा ना, या फिर उस गोले एक्स एक्सिस से -1 दूरी पर होगा, वाई एक्सिस से 2 दूरी पर होगा, 2 दूरी पर होगा ना, और जेड एक्सिस से उसकी दूरी, उस पॉइंट जहां पर काट रहा होगा उसकी दूरी कितना होगी, पॉइंट की 3 होगी। ये आप समझ रहे होंगे, हमने ऐसा आगे पहले डेरिवेशन भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई जो स्फेयर है वो किसी एक्सिस को 3 पॉइंट A B पर काट रहा हो, ये सेम वैसा ही है ना। यहाँ पर हमको 3 एक्सिस के पॉइंट दे दिए हुए हैं, हमको अब गोले की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ पर इसे हम वृत्त नहीं कहेंगे, गोले का समीकरण है, उसका केंद्र ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो जब उस जो हमने पहले डेरिवेशन पढ़ा था, तो हमने प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, वहां पर थे जो किसी ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक्सिस को 3 पॉइंट A B C पर काट रही हो, तो उसकी इक्वेशन हमने वहां पर निकालना, मैंने वहां पर समझाया भी था डीपली हम कैसे निकालेंगे करके। तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स अपॉन -1 जिस पॉइंट पर काट रहा है एक्स एक्सिस पर, वैसे वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 1, जो पहला डेरिवेशन था। डेरिवेशन में आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये इक्वेशन कैसे लिख रहा है। यहाँ पर एक्स अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, -6 प्लस 3 वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू 6। ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन हो गया, ठीक हो गया। और क्योंकि गोले यहाँ पर इक्वेशन 1 जो हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई है, क्योंकि गोले के समीकरण को ज्ञात करने के लिए 4 बिंदु की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि गोले की इक्वेशन हमारी क्या होती थी, x² + y² + z², ठीक हो गया, +2ux + 2by + 2wz + d=0 होती थी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 अननोन है, यू वी और डब्ल्यू। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जितने अननोन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमको उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे जो गोले की इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है, जो जनरल इक्वेशन है ऑफ स्फीयर की, वहां पर 4 अननोन है, यू वी डब्ल्यू और डी। तो उन चारों को सॉल्व, उन चारों की वैल्यू निकालने के लिए हमको 4 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पर 3 पॉइंट तो दिए हुए हैं, और चौथा पॉइंट हमने क्या ले लिया, ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, क्योंकि हमको गोले की इक्वेशन निकालनी है। ठीक हो गया। और उस गोले की इक्वेशन क्या होती थी, ये भी हमने डेरिवेशन में पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन इसका पूरा अपने आप में डेरिवेशन है कि उस स्फेयर की इक्वेशन क्या होगी, उस स्फेयर की इक्वेशन क्या होगी जो अक्षों को A B C पॉइंट पर काट रहा हो, सेंटर मूल बिंदु O से होकर गुजर रहा हो, उसकी इक्वेशन क्या होती थी, x² + y² + z², हाँ, -α(x - β(y) - γ(z) = 0, क्योंकि सेंटर से होकर गुजर रहा है तो D = 0 होगा। ये तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी कोई स्फीयर सेंटर से होकर गुजर रहा होगा तो उसका जो डी इसमें पार्ट है वो तो हमेशा 0 ही होगा, अगर सेंटर से होकर गुजर रहा है, सॉरी मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो इस गोले की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² + z² + x - 2y - 3z = 0। ये यहाँ पर किसी को परेशानी है, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, यहाँ पर अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, ये हम डेरिवेशन के रूप में पहले भी कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, हमको प्लेन की इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 हमारी प्लेन की इक्वेशन हो गई, हमको गोले की इक्वेशन मिल गई। हाँ? अब हमको हमको निकालना क्या है, वृत्त का समीकरण निकालना है, तो उसका केंद्र ज्ञात करना है। अब हमको पता है अगर कभी कोई गोला दिया हो, कोई प्लेन दिया हो,
जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। सेम इसके बाद का प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया। गोले का इक्वेशन हमको दिया हुआ था, गोले का इक्वेशन दिया होता था, तो हम क्या करते हैं उसके सेंटर निकाल देते हैं, उसकी त्रिज्या निकाल देते हैं, ठीक हो गया। वही काम हमको गोले के इक्वेशन में हमने यहाँ पर निकाल दिया है, तो हमको इसका सेंटर और उसकी रेडियस निकाल देंगे। उसके बाद प्लेन की इक्वेशन हमको पता है, तो प्लेन की इक्वेशन पता है तो उससे हम क्या करते हैं ओ एन, जो हमारे जो फिगर हमने देखा था उसमें ओ एन जो लाइन बनती थी ओ एन की इक्वेशन निकाल देंगे, ओ एन की इक्वेशन निकाल देंगे। ओएन की इक्वेशन निकाल देंगे। अब देखिए जो भी हमारा यहाँ पास गोला बना था उसके सेंटर के आ रहे होंगे माइनस हाफ वन थ्री बाई टू, हाँ, तो हमको जो ओएन जो लाइन थी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस हाफ वाई माइनस वन जेड माइनस थ्री बाई टू, हाँ। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, और प्लेन की इक्वेशन भी हमने निकाल रखी है वो क्या थी माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू सिक्स, तो जो लाइन है ओएन, तो ON जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x प्लस हाफ अपॉन माइनस सिक्स, माइनस सिक्स यहाँ पर कहाँ से लिया हुआ है, जो प्लेन है उसका x का कोफिशिएंट, वैसे y माइनस वन अपॉन थ्री, थ्री कहाँ से आया है, जो प्लेन है उसका y का कोफिशिएंट, तो वैसे ही z z माइनस थ्री बाई टू अपॉन टू, टू कहाँ से आया हो, z का कोफिशिएंट, ठीक हो गया। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई, हमने इसको लैम्डा के बराबर मान लिया, लैम्डा के बराबर माना तो एक्स वाई जेड के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक क्या आ जाएंगे, माइनस हमने एक्स बराबर ये सब लैम्डा के बराबर मान लिया है ना यहाँ पर, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, माइनस हाफ माइनस सिक्स लैम्डा, वैसे वाई बराबर निकालेंगे तो कितने का आएगा, थ्री लैम्डा, जेड बराबर निकालेंगे तो थ्री बाई टू प्लस टू लैम्डा के बराबर आएगा, ठीक हो गया। अब जो ये हमारा जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकली है लैम्डा के टर्म्स में, ये पॉइंट एन पॉइंट हो गया। अब ये एन पॉइंट हमारा क्या हो रहा होगा, सर्किल पे भी मिल रहा होगा, तो नहीं सॉरी सर्किल का तो पॉइंट होगा ही होगा, लेकिन ये प्लेन का भी पॉइंट होगा क्योंकि उस प्लेन से ही उस गोले को काट रहे हैं, तो उस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा ना, तो इस पॉइंट को हम प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू सेम है पहले वाला एग्जाम्पल ही है, कॉन्सेप्ट इसमें वही वाला लग रहा है, बस यहाँ पर हमको गोले की इक्वेशन दी थी, प्लेन की इक्वेशन दी थी, यहाँ पर हमने गोले की इक्वेशन भी निकाल ली है, प्लेन की इक्वेशन भी निकाली है, उसके बाद उन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बन रहा है उसकी इक्वेशन हम निकाल लें, तो सेम वैसा ही है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस थ्री बाई फोर, तो जो लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी उसके बाद हम उसी एक्स वाई जेड पर रखेंगे जो लैम्डा के टर्म्स पे हमको हमने निकाले हुए थे, तो लैम्डा की जब वैल्यू वहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा किसका, उस सर्किल का जो इंटरसेक्शन हमको मिल रहा है इसके गोले की और प्लेन की, ऐसे इसका एग्जांपल आप ये वाला भी देख लेना, सेम ही एग्जांपल है सर, ये सर्कल का ही फॉर्मूला निकला है या स्फीयर का, कौन सा वाला, ये वाले क्वेश्चन जो अभी करे हमने सेवन, फॉर्मूला कहाँ पर, नहीं इक्वेशन निकले ना इसमें वृत्त का समीकरण लिखा है, तो ये वृत्त का ही निकला है या स्फीयर का है, नहीं नहीं ये तो, नहीं एक्चुअली शुरू में मेरे को ऐसा लगा कि कहते यहाँ पर ये खाली वही पूछ रहा है वृत्त का इक्वेशन ही निकालने के लिए पूछ रहा है ना, एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है, ये जो प्लेन है इसने तीन पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, तो उससे हमको गोला भी निकालना है प्लेन भी निकालना है, और जब उनका इंटरसेक्शन होगा तो आफ्टर ऑल कहते क्या मिलेगा हमको, सर्किल ही मिलेगा ना, लेकिन अगर आप अगर सुनो अगर ये तीन पॉइंट दिए हो और कहेगा स्फीयर निकालो, स्फीयर की इक्वेशन निकालो कहेगा, अगर क्वेश्चन यहीं तक आएगा ना, अगर ये तीन पॉइंट दिए हो और पूछा जाएगा हमको उस गोले की इक्वेशन निकालो स्फीयर की इक्वेशन निकालो, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पर खत्म हो जाएगा, जो इक्वेशन टू है ना यहीं पर ही हमारा खत्म हो जाएगा, इक्वेशन टू जो निकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, ये गोले की इक्वेशन तो है, वृत्त हमारा क्या होता है टू डायमेंशन होता है, जेड नहीं होता उसमें, वृत्त की इक्वेशन में हमारी क्या होती है टू डायमेंशन होती है,
गोला हमारा थ्री डायमेंशन होता है क्योंकि गोले की लंबाई चौड़ाई और उसमें वॉल्यूम भी होता है। गोले का हम आयतन निकालते हैं, सर्किल का वृत्त का आयतन नहीं निकालते, समझ रहे हो? हाँ, ये अगर कहते हैं उन दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर भाई साहब 3 पॉइंट दिए हो, कहेगा कहते हैं वृत्त की ना गोले की इक्वेशन निकालो, तो गोले की इक्वेशन, तो ये हमारे इक्वेशन टू तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे उसने यहाँ पर क्वेश्चन में सही है, क्वेश्चन सही है, थोड़ा वहाँ कंफ्यूजन हो गया था, उसने वृत्त पूछा हुआ है, तो ठीक है, हमको प्लेन भी निकाल दिया हमने, क्योंकि उन 3 पॉइंट से ऊपर गुजरने वाला प्लेन निकाल दिया, गोले की इक्वेशन भी हमने बना दी, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन से आफ्टर ऑल हमको मिलेगा क्या, सर्किल ही मिलेगा। अब यहाँ पर है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर। एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ, चलिए इससे आगे वाला है, देखिए यहाँ पर दो, ये सेम वैसा ही है जब भी हमको दो लाइन दी होती थी, वो कहते थे जब भी हमको कोई भी दो लाइन दी होती थी, जब हमने इंटर में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू समथिंग दे दिया हो और एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू समथिंग, कोई दो लाइन इक्वेशन दे दी जाए। अब ये दोनों दोनों लाइन हम ये हम इसके हम हमको वहां कहते थे सॉल्व करो, हमको हमारे टीचर्स लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करो। एक्चुअली जब कोई भी दो लाइन को हम सॉल्व करके एक्स और वाई निकालते थे, तो हम क्या कहते थे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जहां पर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट हमारा एक्स और वाई सॉल्व करके आ रहा है, यही तो कहते थे। तो सेम चीज हमको यहाँ पर भी करना है, दो स्क्वायर दे दिए, हाँ, यहाँ पर हमको दो स्क्वायर दे दिए, हमको इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों का इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा, हमको एक सर्किल मिलेगा, हमेशा एक सर्किल मिलेगा। वो कैसे, देखिए एस वन को इसने गोले की इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एन टू यू वन एक्स प्लस टू बी वन वाई प्लस टू डब्ल्यू वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, वैसे ही दूसरे स्क्वायर की दे दिया जाए, है ना, उसमें कोफिशियंट क्या हो जाएंगे एक्स वाई जेड के, यू टू वी टू डब्ल्यू टू। अब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर इक्वेशन में जब हमको दी होती है तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते थे तो एक्स को एलिमिनेट करते थे, मतलब जो जो चीज एलिमिनेट हो जाए, तो वही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं, एस वन माइनस एस टू कर रहे हैं, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमको एस वन माइनस एस टू करने के बाद जो हमको इक्वेशन तीन मिली है, हाँ, टू मल्टीप्लाइड बाई यू वन माइनस यू टू एक्स ऐसे ही प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई वी वन माइनस वी टू वाई प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू जेड प्लस डी वन माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन तीन मिली हुई है। अब इस इक्वेशन को देख के आपको कैसा लग रहा है, इक्वेशन किस तरह की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, उसी तरह की इक्वेशन है। और ये इस तरह की इक्वेशन किसकी होती है, प्लेन की होती है। देखिए लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, जब भी हमको कोई कहता है लाइन की इक्वेशन निकाल, थ्री डायमेंशन ना, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे हम, एक्स माइनस ए अपॉन जो किसी लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट ए बी सी से होकर गुजर रही है और किसी दूसरी लाइन के ना किसी दूसरी लाइन के जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है उसके पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे, एक्स माइनस ए अपॉन एल प्लस इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एम प्लस सॉरी प्लस नहीं एक्स माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन एन, ऐसी ऐसी तो यही होती थी लाइन की इक्वेशन। और प्लेन की इक्वेशन कैसी होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन तीन है, ये यहाँ पर किस तरह की बन रही है, एक प्लेन की तरह तो बन रही है, जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन थ्री है वो किस तरह की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक हो गया, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो जब भी किसी गोले को हम काटते हैं किसी प्लेन से, मिलता है क्या है, सर्किल। जब भी किसी गोले को हम किसी प्लेन से काटते हैं ना, तो मिलता है क्या है, सर्किल। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो गोलों का इंटरसेक्शन हो रहा है, दो गोलों के इंटरसेक्शन से हमको क्या मिल रहा है, प्लेन मिल रहा है, मतलब खुद ही समझो, गोला दो गोले कट रहे हैं उसके बीच का जो पोर्शन मिल रहा है हमको प्लेन जैसा मिल रहा है। अब जितना पार्ट प्लेन जैसा मिल रहा है ना, वो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको क्या लग रहा होगा, थोड़ा सा आप इमेजिन करो तो दो गोलों को काट रहे हो उसका बीच का पोर्शन जो हमको मिल रहा है प्लेन जैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है तो प्लेन का जो जितना वो एरिया से कट रहा होगा वो एक प्रकार से सर्किल जैसा ही होगा, वो किस तरह का होगा, वो सर्किल जैसा ही होगा ना।
अतः दो गोलों के का प्रतिच्छेदन वक्र वही होगा जो समतल तीन मतलब जो थ्री इक्वेशन दी हुई है का दोनों गोलों में से किसी एक से होगा। अतः दो गोलों का प्रतिच्छेदन वक्र प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन कर्व वही होगा जो प्लेन का दोनों स्फेयर में से किसी एक से होगा। मतलब जैसे यहाँ पर तुमको इक्वेशन निकालनी है सर्किल की, यहाँ पर पूछा गया है जब तुम्हारा कहते दो गोलों का प्रतिच्छेदन पूछ रखा है ना, तो यहाँ पर देखो दो गोले दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर से अगर कहेगा दो गोलों की इक्वेशन दे दी जाए, वो कहेगा सर्किल की इक्वेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे? S1 - S2 = 0 कोमा S1 - 0। ये है समझ में? किताब में हमारा थोड़ा सा आधा अधूरा लिखा हुआ है, बहुत सी चीजें इसमें मिस हैं जो तुमको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, हेंस द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, यहाँ पर दो स्फीयर दिए हुए ना, हेंस इस प्रकार द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज अ सर्किल हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय S1 = 0 कॉमा S2 = 0, या तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा कोई इक्वेशन। अगर सर्किल कहीं पर दिया होगा, कहीं पर दो गोले दे दिए जाए, वो कहेगा सर्किल है, तो समझ जाना कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा होगा हाँ। या तो इक्वेशन ऐसी दी होगी, या फिर क्या दिया होगा, S1 = 0 दिया होगा कॉमा S1 - S2 = 0 दिया होगा, इस तरीके से भी दिया हो सकता है, और किस तरीके से दिया हो सकता है, या फिर S2 = 0 दिया हुआ, या फिर S1 - S2 = 0 दिया हुआ। अभी आप क्वेश्चन में अभी सोच जाएंगे ना, अगर आप यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूरी समझ में आ जाएगा। एक चीज और चीज बताता हूँ यहाँ पर, क्या एक जो अगला डेरिवेशन है, इक्वेशन ऑफ स्क्वायर थ्रू अ गिवन सर्किल, होता क्या है, जब भी जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर थ्रू अ गिवन सर्किल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर की इक्वेशन दी है, एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है पी, गोले की इक्वेशन एस दी हुई है, प्लेन की इक्वेशन पी दी हुई है ना। तो जब भी कोई दो चीजें इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक प्रकार से आप ले लीजिए कि ज्योमेट्री में एक ब्रह्मास्त्र की तरह ले लीजिए, कभी भी अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई और कहे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, कहे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी दो चीजें इंटरसेक्ट कर रही है वो दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा। हेलो हेलो, किसी को पूछना है? हेलो कभी भी कोई भी दो कर्व आकर आपस में, जैसे कोई भी दो कर्व दिए हुए C1 और C1 = 0 और दूसरा कर्व दिया हुआ है C2 = 0, ये दोनों अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं हाँ, ये दोनों कर्व C1 और C2 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको हम क्या लिख देंगे, C1 + λC2 = 0 करके हम सॉल्व कर देंगे, C1 + λC2 = 0 करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अब जो अगर वो दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीसरी चीज भी दी होगी, तो कुछ ना किस पॉइंट से होकर गुजर रही है वो सो करके, ठीक हो गया, तो उस पॉइंट को अगर हम पुट कर देंगे C1 + λC2 = 0 में, अगर हम पुट कर देंगे तो वहां से हमारी लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और लेमडा की वैल्यू अगर निकल के आ जाएगी तो हम लेमडा की वैल्यू पुट करने के बाद, तो जो भी इंटरसेक्शन के बाद जो भी चीज हमको मिली होगी वो उसकी इक्वेशन आ जाएगी, उस कर्व की इक्वेशन जो इंटरसेक्शन के बाद मिलेगी किसके, C1 कर्व के और C2 कर्व के। सेम चीज यहाँ पर है, जो तुम्हारा 2.2.4 जो डेरिवेशन है, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल ना, यहाँ पर स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है थ्रू अ गिवन सर्किल, तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है एस, एक प्लेन दिया हुआ है पी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज अप्लाई करेंगे, C1 + λC2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, S + λP = 0। इस चीज को आप बहुत जगह अप्लाई करेंगे, कहेगा ये कर्व है,
आगे बहुत जगह अप्लाई करेंगे। ये कोई कर्व C1 है, ये कोई दूसरा कहीं कर्व दे दिया होगा, कोई C2 कर्व दे दिया होगा। हाँ, बस एक कंडीशन दी होगी कि इन दोनों ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, इस पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, ठीक हो गया। तो उस पॉइंट को अगर हम पुट कर देंगे C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0 में अगर हम पुट कर देंगे, तो वहां से हमारी लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू अगर निकल के आ जाएगी तो हम लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद तो जो भी इंटरसेक्शन के बाद जो भी चीज हमको मिली होगी वो उसकी इक्वेशन आ जाएगी, उस कर्व की इक्वेशन जो इंटरसेक्शन के बाद मिलेगी किसके, C1 कर्व के और C2 कर्व के। सेम चीज यहाँ पर है, जो तुम्हारा 2.2.4 जो डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, ना यहाँ पर स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है थ्रू अ गिवन सर्कल। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है S, एक प्लेन दिया हुआ है P, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज अप्लाई करेंगे C1 प्लस लैम्डा C2। C1 प्लस लैम्डा C2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, S प्लस लैम्डा P इक्वल टू 0। इस चीज को आप बहुत जगह अप्लाई करेंगे, कहेगा ये कर्व है आगे बहुत जगह अप्लाई करेंगे, कहेगा ये कोई कर्व C1 है, ये कोई दूसरा कहीं कर्व दे दिया होगा, कोई C2 कर्व दे दिया होगा। हाँ, बस एक कंडीशन दी होगी कि इन दोनों ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, इस पॉइंट से होकर गुजर रहे, ठीक हो गया। ओके, तो कहेगा कि जो भी निकल रहा है, जो भी तीसरा कर्व निकल रहा है उसकी इक्वेशन निकालो। हाँ, तो आपको क्या करना है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक कर्व दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा, लैम्डा टाइम्स मतलब C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब जो पॉइंट दे ही रखा है हमको उस पॉइंट को पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी निकालने के बाद लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी निकलेगा हमारा उस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी जो वो पूछता होगा। जैसे एक चीज और, यदि वृत्त का समीकरण किस तरीके से दिया हो, वृत्त का समीकरण लिखाओ, पूछ रहा हो कि वृत्त का समीकरण किस तरीके से किया हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन दे रही हूँ, इक्वेशन दी हुई है। हेलो, ये मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। गूगल फॉर्म भर लीजिए आप लोग अटेंडेंस का, ठीक हो गया। गूगल फॉर्म भर लीजिएगा, और एक हो सकता है टेक्निकल इशू अभी चल रहा है जूम ऐप पे, ये हो सकता है 40 मिनट बाद ही, जब भी 40 मिनट पूरे हो जाए हो सकता है ये मीटिंग अपने आप बंद हो जाए ना। उससे पहले मैं थोड़ा सा तो रोक रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा अगर अपना अपना कैमरा अगर ऑन कर देंगे तो ठीक रहेगा, तो मुझे स्क्रीनशॉट देना है जो आज का जो हम क्लास सेशन ले रहे हैं। सभी लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट देना। अंशिका अग्रवाल, वैभव, संदीप, कोई ऐसा तैयार होकर आने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही होगा। थैंक यू, आप ऑफ कर सकते हैं।
अब आप ऑफ कर सकते हैं। ये उसमें चैट में मैंने इसका गूगल फॉर्म दोबारा डाल देता हूँ, जिसमें बच्चों को नहीं मिला है। संदीप के मेरे पर डाल रहा हूँ, सर एक क्वेश्चन पूछना था। चैप्टर फर्स्ट मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है चैट बॉक्स में, इनके डाल दिया है। हाँ बताइए सर, चैप्टर फर्स्ट का एक क्वेश्चन पूछना था। बताइए। पेज नंबर 14 पे है कि तुम हमें ना वर्ड बताना है कि कौन सा है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। तो उसमें मैंने थर्ड पार्ट सॉल्व करा था जिसमें एच स्क्वायर लेस देन ए वी था। तो एच स्क्वायर मेरा 25/4 है और जो मेरा ए वी आ रहा है वो -36 है, लेकिन हमने सिंबल ए वी की तरफ क्यों कर रखा है इसे। तो मुझे बताइए पेज नंबर 15 कौन सा, 15 14 सर, 14 14 में कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला जिसमें a इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू हाँ। सर एलिप्स बता रहा है इसमें पर h स्क्वायर तो मेरा 25.4 आएगा, पॉजिटिव बड़ा होता है। हाँ, देखो अगर इसके इसमें बहुत सारे स्प्रिंटिंग है, कितनी चीजें आप देख रहे होंगे कैसे ना, अगर आपका आपकी कैलकुलेशन सही है तो इसको ध्यान रख दीजिए, मतलब आपके रूल के अकॉर्डिंग। अभी मैंने ये सॉल्व नहीं किया हुआ है ना, फिर भी अगर कहते हो सकता मेरा भी आप जैसा ही आया ना। तो हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ तो एकदम इसके उसमें मत चलिए, क्यों क्या ओके सर। हाँ जो बहुत सारी मिस पेंटिंग ओके सर। तो हमारा एग्जाम्पल 9 है, पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा और रथ और सर्किल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जेड कॉमा जीरो होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण हमको ज्ञात करना। इससे पहले जो हमने रिमार्क देखा था उसमें क्या था, क्या था उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जो कहाँ से होकर गुजरता हो, यहाँ पर हमको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री इक्वल टू कॉमा जेड कॉमा जी। यहाँ पर देखिए जेड कॉमा जी जो आपको दिया हुआ है जेड पर जेड इक्वल टू बी जो भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है इसका इक्वेशन है, इस प्रकार से प्लेन की इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। बस प्लेन की इक्वेशन कैसे होती थी, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू बी प्लस डी एफ इक्वल टू डी इस टाइप की होती थी ना। बस इसमें यहाँ पर क्या है x की पोजीशन और y की पोजीशन यहाँ पर जीरो हो रही है, हो गया। तो अगर इस तरह की क्वेश्चन पेपर दी हुई किस तरह की क्वेश्चन है, ये प्लेन की इक्वेशन हो गया। तो समतल से बना हो तो वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण हम किस तरह से लिखते थे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर फिर मिसप्रिंटिंग है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इक्वेशन ये टिप्पणी जो लिखी हुई है इसमें जो दूसरी इक्वेशन है लास्ट वाली इक्वेशन देखिए यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी होगा यहाँ पर ना। तो समतल से बना तो वृत्त का समीकरण क्या लिखेंगे यहाँ पर जो ना सॉरी गोले का समीकरण क्या होगा यहाँ पर, गोले का समीकरण क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी होगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा प्लस टू जी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस सी प्लस लैम्डा जेड माइनस डी इक्वल टू जीरो। तो सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हमको हमको सर्किट इक्वेशन दी है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, सर्किट इक्वेशन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू स्क्वायर, प्लेन की इक्वेशन क्या है तीन भी है हमारा जेड इक्वल टू जीरो, हमको गोले इन दोनों से ऊपर गोले की इक्वेशन कैसे बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर काम कर रहा था प्लेन का ना, पी प्लेन का काम कर रहा था, तो यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन क्या थी जेड माइनस जीरो, वही यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। अब जो ये हमारा स्फीयर है ना, हमको पॉइंट भी दे रखा है, किस पॉइंट से ऊपर गुजर रहा है, अल्फा बीटा गामा से ऊपर गुजर रहा है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो हम फिर लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा गोले की इक्वेशन, फाइनली हमारा क्या आ जाएगा गोले की इक्वेशन। तो यहाँ पर था क्या, हमको दिया क्या था, एक सर्किल दिया हुआ था, एक सर्किल दिया हुआ था, एक प्लेन दिया हुआ था, और हमको कहा क्या कि क्या बताओ गोले की इक्वेशन बताओ। ठीक है, उदाहरण 10 है, एग्जांपल 10 है, इसको देखिए, यहाँ पर हमको सिद्ध कीजिए कि गोला दो गोले दिए हुए हैं, गोले की इक्वेशन दी हुई है, वो ग्रह दो गोले की इक्वेशन दी हुई है, पूरा सहायक में वो ग्रह वृत्त में प्रतिच्छेद करता है, मतलब ये दो गोले जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो किस कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, ग्रेट सर्किल पर ना, मतलब समझ लो क्या है, तो हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब दो गोले आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो सर्किल बनता है, ठीक हो गया, सर्किल तो बनता है, लेकिन ये कहाँ पर का सर्किल बन रहा है, ये कहाँ पर का सर्किल बन रहा है, ग्रेट सर्किल बन रहा है, जो गोले हमारे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो हमको जो सर्किल मिल रहा है वो किस तरह का कैसा मिल रहा है, वो हमको ग्रेट सर्किल मिल रहा है, ग्रेट सर्किल समझ रहे होंगे आप ना, जो गोले के ही सेंटर से होकर गुजर रहा हो, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर गोले का ही सेंटर हो और जिसकी रेडियस क्या होगी, गोले की ही रेडियस हो, तो ये हमको प्रूव करना है, तो हमको ये कंडीशन प्रूव करनी है कि अगर वहां से गुजर रहा होगा वृत्त में प्रतिच्छेद अगर कर रहा होगा तो उसकी ये कंडीशन जो होगी वो ये होगी, कर ये हमको प्रूव करनी है। तो एस वन ठीक हो गया, जो गोले दे रखे एस वन इक्वेशन वन, तो हमारा एस वन है, दूसरे गोले की इक्वेशन एस टू है, दो गोले आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एस वन माइनस एस टू हमको एलिमिनेट कर दे तो हमको प्लेन की इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन थ्री है, ठीक हो गया। अब यदि देखिए, यदि गोला एक गोला यदि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को वृत्त में प्रतिच्छेद करता है तो गोले दो का केंद्र क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, दो गोले आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो गोले आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो उन दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमको सर्किल मिल रहा है वो हमको ग्रेट सर्किल मिल रहा है। अब ग्रेट सर्किल मिल रहा है तो ठीक है, वो जो स्फीयर होगा उसी का सेंटर होगा, उसका जो जो सर्किल का जो सेंटर होगा वो स्फीयर का ही सेंटर होगा, और सर्किल का जो रेडियस होगा वो स्फीयर की रेडियस के बराबर होगी, हाँ तो ठीक है सर्किल। अब जो एस वन है, एस वन का सेंटर हमारा क्या है, सॉरी एस टू का हमारा क्या है, सेंटर क्या है, माइनस यू डैश माइनस बी डैश माइनस डब्ल्यू, ठीक हो गया, पर जो हमारा सेंटर है क्या है, माइनस यू डैश माइनस बी डैश माइनस डब्ल्यू डैश, और इक्वेशन इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमको इक्वेशन तीन मिली हो, एस वन माइनस एस टू बराबर जीरो करने के बाद जो हमको मिला है इंटरसेक्शन, वो हमको इक्वेशन थ्री मिली हुई है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमको इक्वेशन थ्री में एक्स वाई और जेड की जगह हम क्या रख देंगे, क्योंकि सेंटर से ऊपर गुजर रहा होगा, माइनस यू डैश माइनस बी डैश माइनस डब्ल्यू डैश रख देंगे, और जब हम इसको पूछ करेंगे तो जो भी हमको कंडीशन वो पूछ रहा है वो हमारी कंडीशन निकल जाएगी, तब जब दो स्क्वायर इस तरीके से काटे हो कि जो सर्किल है वो ग्रेट सर्किल बन जाए, सही आपका एग्जांपल 11 है।
आप देखिएगा तो हर एक एग्जाम्पल कहाँ का रह पाएंगे, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट सेम ही है। नहीं आएगा तो आप कहते हैं फोन देना, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा और जो सबसे समझा दूंगा।